गोरखपुर के सर्राफा मंडल द्वारा महाराजगंज के निचलौल के व्यापारी के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा गोरखपुर में हुई लूट की घटना के 24 घंटे के अंदर अनावरण के बाद शनिवार को राजघाट थाना क्षेत्र स्थित शहीद बंधु पार्क हिंदी बाजार में डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार सहित लूट की घटना के अनावरण करने में शामिल क्राइम ब्रांच सहित अन्य स्थानों की पुलिस टीम को सम्मानित किया गया। इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक एसएसपी जोगेंद्र कुमार, एसपी सिटी सोनम कुमार, सीओ कोतवाली बीपी सिंह को उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं सर्राफा मंडल के संरक्षक पुष्प दंत जैन, सर्राफा मंडल के अध्यक्ष पंकज गोयल और सर्राफा मंडल परिवार के अन्य पदाधिकारियों द्वारा उन्हें बुके, एकल पुष्प, अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने पुलिस और सर्राफा व्यवसायियों के आपसी सामंजस्य की सराहना करते हुए और पुलिस विभाग के लिए सर्राफा व्यवसायियों द्वारा आयोजित किए गए इस अभिनंदन और स्वागत समारोह की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर एसपी सिटी सोनम कुमार, सीओ कोतवाली बीपी सिंह, क्राइम ब्रांच और कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक सहित पुलिस विभाग के आला अधिकारी और व्यापारी विभाग के अन्य पदाधिकारीगण सहित आम जनमानस मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सर्राफा मंडल के अध्यक्ष पंकज गोयल ने कहा, श्री जीके सिंह भी आ चुके हैं, उनका भी अभिनंदन है। हम चाहेंगे सभी आप लोग शांतिपूर्वक अपने स्थान में बैठ जाएं। कोविड से लेकर के जिस प्रकार से गोरखपुर की पुलिस ने गोरखपुर की जनता के साथ साथ दिया और लगातार तो समस्त कार्यकर बंधुओं तरफ से, सोमवार संघ की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन बंधन करते हैं। हमारे बीच श्री कोतवाली श्री बी के सिंह मौजूद हैं, संतोष गुप्ता ने समस्त सर्राफा मंडल के लोग अभिनंदन कर रहे हैं। जी राजेश सर्राफ जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आवे, एसएसपी महोदय को ऑनटन देख सम्मानित करें। राजेश सर्राफ जी, धन्यवाद। राजू सिंह जी, अगर मेरी आवाज इस सम्मान कड़ी में जिनको डीजीपी द्वारा सराहनीय सेवा सम्मान से नवाजा गया है, कृपया वो भी मंच पर आने रखा है, उनका भी अभिनंदन है। सुनील वर्मा और राजू, बहुत ही चंद घंटों में इतनी बड़ी लूट का पर्दाफाश किया उन्होंने, जो अपने गोरखपुर के इतिहास में उद्घोषण हम सब के लिए प्रेरणादायक बनेगा। हम सब आपका श्री पुत्र जैन जी मौजूद हैं, हम चाहेंगे वो भी अपना उद्घोषण से हम सबको स्वागत करें। श्री पुत्र जय पुत्र जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभा संचालक श्री राकेश जी, सम्मान समारोह का आयोजन हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक माननीय श्री जोगेंद्र जी टीम को करने के लिए आयोजन हुआ है। मैं इस शुभ अवसर पर उनका हार्दिक अभिनंदन पूरी मैनेटरी में करते हैं। अपना भवन नहीं है, लेकिन आपको बताया कि गोरखपुर में सर्राफा मंडल का अपना भवन है, जिसे सभी व्यापारियों ने मिलजुल करके उस भवन को बनाया। और आज वह दुकानदार ये नहीं जानता है कि यह चोरी का है कि डकैती का है। अगर वो इंटेंशन से ये जान करके लेता है कि यह चोरी का है या डकैती का है, तब तो वह गुनाहगार है। सर्राफा मंडल के व्यापारी हमारे पुष्प जैन साहब, जो आपके संरक्षक साहब हैं, और सर्राफा मंडल के जितने लोग हैं यहाँ उपस्थित, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं हर सर्राफा भाई को
पर्सनली नहीं मिला हूँ, तो हम सीओ कोतवाली साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक एक से जो जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनसे परिचय करा मेरा। चीज सोची पुलिस के बारे में, पुलिस के बारे में जनरली बहुत कम लोग सोचते हैं। हम लोगों की ड्यूटीज बहुत मुश्किल होती है और जब हम काम करते हैं हमारा 2400 घंटे, जैसे हमारी क्राइम ब्रांच की टीम है जो यहाँ है अभी यहाँ पे हमारे इस काम में जिसके लिए आपने सम्मान समारोह या अभिनंदन समारोह टाइप रखा है, इसमें जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने अच्छा काम किया, हमारे थाना कैंट की पुलिस थी, थाना रामगढ़ ताल की पुलिस थी और थाना राजघाट की, और सीओ कोतवाली, सीओ कैंट, सीओ कैंपियरगंज जो एसपी है हमारा राहुल भाटी, एसपी नॉर्थ साहब, ये सभी लोग मेहनत किए इसमें, और सब इंस्पेक्टर लेवल पे दीपक कुमार सिंह जो उस केस में लाइनाजर भी हुए लेकिन उन्होंने मेहनत करते रहे और करी मेहनत। एक सब इंस्पेक्टर और है मनीष चौकी इंचार्ज आजाद चौक, उसने भी मेहनत करी बाद में केस को वर्कआउट कराने में। सीसीटीवी देखने हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और इंस्पेक्टर कैंट और ये सभी लोग मेहनत करके लगे, और ये सभी पूरे जिले की पुलिस की मेहनत का नतीजा था कि हम लोग 8-9 घंटे में ही ये पता लगा लिए कि ये घटना किसने करी है। क्योंकि इसमें पुलिस वाले ही इन्वॉल्व थे तो हम लोगों के लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम था कि हमारे घर में हमारे पुलिस के साथ कौन चोर है, पुलिस में पुलिस की वर्दी में कौन चोर है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग विषय था पता लगाने का कि कौन ऐसा है जो हमारी वर्दी को धूमिल कर रहा है, हमारी छवि को धूमिल कर रहा है, पुलिस की छवि को धूमिल कर रहा है, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। और इसी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग तरीके से लगे कि ऐसा व्यक्ति जो क्रिमिनल का काम कर रहा है, क्राइम का काम कर रहा है, ऐसा व्यक्ति पुलिस विभाग में रहना नहीं चाहिए, और इसीलिए बर्खास्त की भी कार्रवाई की गई, सस्पेंशन की कार्रवाई की गई, सब की गई ताकि सबक मिले सबको। पुलिस का काम आप लोगों की सुरक्षा करना है, आपके साथ रहना है, आपका सम्मान करना है और आपकी सुरक्षा करना है, और यह काम हम लोग बखूबी निभाते रहेंगे। हमारे जो पुलिसकर्मी है, जो क्राइम ब्रांच के लोग हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कई केसेस वर्कआउट किए, हमारे चैलेंजेस पिछले 6-7 महीने में जब से हम यहाँ हैं उससे पहले भी लोग अच्छा काम करते रहे, कई सालों से कर रहे हैं। ईमानदारी से और अपनी निष्ठा से जब आदमी काम करता है तो उसकी पहचान अवश्य होती है। सराफा भाइयों से परिचय हमारा उस लेवल पे आज पहली बार हुआ कि इतने साले एक साथ इतने सारे बैठ करके हम लोग आपस में बात कर पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप लोग सुरक्षित हैं और हम लोग सुरक्षा देने में कामयाब हो रहे हैं, और ये कामयाबी ही आप लोगों को इस बात के लिए भी प्रेरित किया कि हम लोग आपको सम्मान दें या अभिनंदन करें आपका। ये अभिनंदन स्वयं आपका है, हमारा है, सब लोगों का है, क्योंकि हम लोग जब सही काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, घटना वर्कआउट करते हैं, तो जो व्यापार करने वाला व्यक्ति है वो अपने आप को सुरक्षित समझता है, और सुरक्षित समझना उसके लिए सबसे बड़ी भावना असुरक्षा की रहती है। और अगर वो पुलिस कर्मियों से संतुष्ट है और पुलिस अधिकारियों से संतुष्ट है कि उन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए, तो इससे बढ़िया हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इससे बड़ी बात पुलिस विभाग में रहते हुए और कुछ भी नहीं है कि आपके मन में यह भाव आए कि पुलिसकर्मी हमें सुरक्षा देने में कामयाब हो रहे हैं और कामयाब है, ये हमारे लिए पुरस्कार है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया, और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी हम लोग अच्छे काम करते रहेंगे, और अगर कोई घटना पहली बात होने ना देंगे और होगी तो फिर उसको छोड़ेंगे नहीं, जो भी क्राइम करेगा, क्राइम करने वाले को हम कतई नहीं छोड़ेंगे, उसकी जगह जेल में, वो जेल में रहेगा। तो हम लोग इतना आपको आश्वस्त करते हैं और आपको सुरक्षा का भी वचन देते हैं, हम लोग अच्छा काम करेंगे, आपके लिए कर रहे हैं, आपके शहर के लिए कर रहे हैं, और आपको इसके लिए धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला और हमारे लिए इतना सोचा, इसके लिए आपको धन्यवाद। और हम लोग आगे आप लोगों के लिए हमेशा मेहनत और दुगुनी तरीके से करेंगे, इनके सीने में जो है वो और ज्यादा उत्साह भर जाएगा कि हम लोगों का सम्मान और हम लोगों को पहचान मिल रही है, जब हमें पहचान किसी को मिलती है तो वो और उत्साह से काम करता है, ऐसा बड़ा बनाता है। थैंक यू सो मच। पंकज गोयल, अध्यक्ष सराफा मंडल गोरखपुर। आज जो स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था, हमारे सराफा व्यवसायी जो थे, जो निचलौल से आए थे, उनके संग 20 तारीख को लूटकांड हो गई थी, 30 लाख रुपए के आसपास की रकम था, जिसको हमारे एसएसपी महोदय के नेतृत्व में बड़ी ही सफलतापूर्वक 18 घंटे के अंदर 100% बरामदगी की गई,
और सबसे बड़ी सराहनीय बात तो ये है कि उस कार्यक्रम उस लूट में पुलिस वाले ही इन्वॉल्व थे और उनका खुलासा किया गया और उनको जेल के पीछे भी भेजा गया, जिससे हम व्यापारियों में बड़ा हर्ष है और कहीं ना कहीं पुलिस के प्रति हम लोगों का अपना भी झुकाव बना है। उसी के संबंध में आज हम लोगों ने अपने कप्तान और उस पूरी टीम को सम्मानित किया है।